जिला व्यापी घोषणा के तहत श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रामदेवरा जैसलमेर पैसेंजर रेल सेवा की समय सारणी बदलकर दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर आज जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति के आह्वान पर सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर सांकेतिक धरना देकर जिले की रेल संघर्ष समितियों ने के पदाधिकारियों जिला कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें रेल मंत्रालय रेल प्रशासन क्षेत्रीय सांसद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और मांग नहीं मानने पर 17 मार्च को रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय बीकानेर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। गंगानगर जिले के संघर्ष समितियों ने शुक्रवार 17 मार्च बीकानेर चलो का नारा दिया। धरना स्थल पर बैठक में जिले की रेल संघर्ष समितियों के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि काफ़ी लंबे समय के बाद जैसलमेर व रामदेवरा जाने के एकमात्र रेल सेवा शुरू हुई, जिसे 6 महीने बाद बंद कर दिया गया। आम व्यक्ति 150 रुपये में इस रेल सेवा का फायदा ले रहा था। कमजोर व गरीब तबके के लोगों को रामदेवरा जाने के लिए महत्वपूर्ण सुविधा थी, परंतु क्षेत्रीय सांसद व रेल प्रशासन नहीं चाहता कि इस जिले का गरीब मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग इसका लाभ ले सके, जिससे आम जनता को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया। जिला कमेटी के आह्वान पर समस्त संघर्ष समितियों की इस मांग को लेकर संघर्ष है। यदि 17 मार्च तक इस रेल सेवा पूर्ण शुरू नहीं किया गया तो इस समय सारणी नहीं बदली गई तो रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय बीकानेर के आगे आंदोलन की घोषणा की जाएगी।